नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर किशनगंज बिहार से। बिहार के किशनगंज में शुक्रवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। इधर ये खबर सुनते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। बताया गया कि यहाँ सुबह 7 बजे के करीब 4.5 तीव्रता का आंका गया। कुछ ही सेकंड में यहाँ पर कांपने की सूचना मिली। हालांकि इसका असर काफी कम रहा। भूकंप का केंद्र सिक्किम में बताया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सिक्किम के सोरंग में आज सुबह करीब 6:57 पर रिएक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। फिलहाल इस पर बताया कि कोई नुकसान होने की खबर नहीं है। इधर हिमाचल में भी यहाँ पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आने की सूचना मिली। यहाँ तक की जानकारी मिली। यहाँ पर लगातार पूछताछ के बाद सभी लोगों का कहना है कि यहाँ पर हल्का महसूस किया गया। किसी को लगा कि यहाँ पर सरदर्द या चक्कर जैसी घटना है, लेकिन एक दूसरे से पूछताछ की तो पता चला कि यहाँ पर भूकंप का झटका महसूस किया। छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर ये बनी हुई है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं और कई बार आपस में भिड़ जाती हैं, और ये टकराने की स्थिति प्लेट्स के कान मोड़ जाते हैं, जिससे ज़्यादा दबाव पड़ने पर प्लेट्स टूटने लगती है और तब जाकर कोई हानि होती है। यहाँ तक ये जानकारी मिल रही है। तमाम खबरों के लिए बन रही चैनल पर लाइक शेयर कमेंट करें। जय हिंद।